हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग चित्रान में आपका फिर से वीडियो में स्वागत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज हम आए हैं जगदलपुर सिटी में, जहां आप सेकंड हैंड गाड़ी का डिमांड कर रहे थे, बाइक हो गया, स्पोर्ट बाइक हो गया या फिर स्कूटी, नॉर्मल भी और बुलेट भी मिल जाएगा। और साथ ही स्कूटी रेंज कितना है, प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो रही है और फाइनेंस की सुविधा की, ये पूरा मैं बताने वाला हूँ भैया के थ्रू। और ये शॉप का नाम क्या है, बस्तर ऑटो डील करके है, थोड़ा अंदर है जगदलपुर से, मतलब सिटी के अंदर ही है। पूरा एड्रेस भैया के थ्रू बताऊँगा। और चैनल पे अभी मतलब जो भी देख रहे हैं 94% अभी तक जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए, मेरा आईडी नंबर है चित्राम12345। तो चलो स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले तो ये एड्रेस बता दीजिए, लैंडमार्क क्या होता है, मतलब कहाँ है? पेट्रोल पंप जामा मस्जिद के पास। अच्छा, जामा मस्जिद के पास। जैसे मेन, अगर वो मेन रोड से जाएंगे तो कितना दूर पड़ेगा ये अंदर? मेन रोड से भी अपना 500 मीटर भी नहीं है। अच्छा, 500 मीटर भी नहीं है मेन, ये जामा मस्जिद बोलेंगे कोई भी बता देगा। नियर दामोदर। और ये शॉप का नाम क्या है? बस्तर ट्रेडिंग कंपनी, बस्तर ऑटो डील। बस्तर ऑटो डील। और आपके पास सेकंड हैंड कब तक आते रहता है गाड़ी? डेली आता है गाड़ी हमारे। अच्छा, डेली आता है। कौन कौन सी गाड़ी है आपके पास? बुलेट, स्प्लेंडर, डीलक्स, पैशन, शाइन। और स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस 25-26 हजार। 25-26 हजार, मतलब अच्छे से अच्छे कंडीशन में अच्छा गाड़ी, मतलब 14-15 मॉडल से चालू हो जाएगा। अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग करते हैं ये डीलक्स से। ये कौन सी मॉडल है? 2018 दसवा महीने का गाड़ी है। अच्छा, दसवा महीने का 2018 का है। पासिंग कहाँ की है? दुर्ग पासिंग है, CG07 दुर्ग पासिंग है। प्राइस क्या रखे इसका? 55,000। इंश्योरेंस है इसमें? इंश्योरेंस 5 साल वैलिड। अच्छा, 5 साल वैलिड। और ये नाम ट्रांसफर का अलग से देना पड़ेगा? नाम ट्रांसफर का 1500 रुपया है। अच्छा, अलग से उसको देना पड़ेगा, इंक्लूड नहीं है ना? इंश्योरेंस तो है। और जैसे कोई फाइनेंस कराना चाहता है तो कितना देना पड़ेगा स्टार्टिंग? कम से कम 25। अच्छा, 25। प्राइस देख देख के, मतलब गाड़ी है ना, गाड़ी का डाउन पेमेंट प्राइस देख के, कंडीशन देख के। अच्छा, इसके बाद देखते हैं। हाँ, ये कौन सी मॉडल है? 2015 मॉडल है। 15 मॉडल है ये, 35,000 का है। और कितना चला था ये कितना चला होगा? ये किलोमीटर लिखा हुआ है इसमें 38,000 करीब चला हुआ है, और वो चला हुआ है 30,000 के आसपास। इसका प्राइस क्या रखे भैया? 35,000। इसके बाद ये बुलेट है, रॉयल एनफील्ड 2016 लास्ट की गाड़ी है। 2016 लाख रुपए रेट है इसका, 90,000। मॉडल कौन? 16 बताए ना, 2016। कितना चला है ये? 19,000 चला है। अच्छा, 19,000 चला है। और प्राइस भी नेगोशिएबल है, आने के बाद कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा 1,500-2,000 रुपए आगे पीछे। बाकी कोई खर्चे नहीं है, सब रेडियो के खड़ी है, रेडी गाड़ी मिलता है, रेडी है। अच्छा, वर्कशॉप पहले गाड़ी आने के बाद। हाँ हाँ, उसके बाद सेल। अच्छा, उसके बाद ये BS4 2018 लास्ट। अच्छा, BS4 है 2018 लास्ट, मतलब 19 से लगी हुई है। ये कितना चला होगा? अच्छा, 10,000। प्राइस क्या रखे भैया इसका? 41। पासिंग तो रायपुर है। और ये 17 कहाँ कांके आती है? जगदलपुर आता है। अच्छा, उसके बाद ये 2016 लास्ट की गाड़ी है। ये भी लास्ट है, 17 से लगा हुआ है। 1,15,000। इसका रनिंग कितना हुआ? BS4 है। अच्छा, BS4 है। इसका रनिंग? ये 3,000 करीब दिखा रहा है, रायपुर पासिंग है। उसके बाद ये देखते हैं। हाँ, इसके भी प्राइस वही 35,000 का। अच्छा, 35,000। 17 मॉडल है। बाकी रनिंग मैक्सिमम ज्यादा नहीं चला हुआ है? ज्यादा नहीं चलता, सब अंडर 30। इसका पासिंग कहाँ का होगा? ये CG04 होगा, रायपुर की गाड़ी। दुर्ग पासिंग बोल रहे हैं। उसके बाद ये है 150 पल्सर है, 2017 मॉडल। 2017 मॉडल है, 45,000 है। और इसमें जैसे कि ये तो दुर्ग पासिंग है। हाँ। और जैसे मैक्सिमम कोई कम से कम बजट में चाहिए होगा 15 तक तो मिल जाता है? 15 नहीं, नहीं ये गाड़ी मैंने, कोई भी गाड़ी हो जैसे डेली यूजर्स के लिए नहीं मिलता ना, लेते ही नहीं हम लोग, आती है गाड़ियाँ क्योंकि। अच्छा, उसमें खर्चा ज्यादा? खर्चा वाला बात नहीं है, ट्रांसफर इंश्योरेंस होगा नहीं तो क्या मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है, उसका वैलिड नहीं। हाँ, उसके बाद ये है, कौन सी है ये? 150 AS। ये कौन सी मॉडल है? 2016 मॉडल। ये अच्छा, ये भी 17 से लगा हुआ है, रायपुर पासिंग। प्राइस क्या है इसका? 45,000। अभी बहुत गाड़ी है तो थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ये कितना है भैया, कौन सी मॉडल है? ये भी 150 पल्सर है। हाँ, 2000
2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है। इसका प्राइस क्या रखें? 35,000 प्राइस है। इसके बाद देखते हैं ये होंडा ड्रीम युग। अच्छा होंडा ड्रीम युग है, ब्लैक कलर में है। ये मॉडल कौन सा होगा? 2015 लास्ट का। 15 ये भी लास्ट का है। 45,000 है। बाकी आने में सभी में थोड़ा बैठक के बाद कम ज्यादा होगा ना? 19-20 होगा। होंडा साइन है। होंडा साइन ये कौन सी मॉडल है? होंडा साइन 2014 लास्ट का गाड़ी है। ये भी लास्ट की है। इसका प्राइस क्या है? 25,000। और रनिंग के लिए सबका मीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप आके पूछ लेना, क्योंकि सभी का रनिंग बताना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद मीटर आ गया था। हाँ, इसके बाद ये है 150 व्हाइट ब्लैक में है। 2017 मॉडल है, 45,000 रुपए में। 2017 45,000। इसके बाद ये 2010 का मॉडल है। अच्छा 10 का मॉडल है। 30,000 में आ जाएगा। अच्छा अच्छी गाड़ी है। हाँ ये वेल कंडीशन दिख रहा है। इसके बाद ये नीचे की मॉडल होगी? नहीं ये ऊंचा मॉडल है। अच्छा ऊंचा मॉडल 2014 मॉडल है। अच्छा 2014 मॉडल। इसका प्राइस क्या? इसका प्राइस आ जाएगा आपको 32। अच्छा 32 के रेंज में। इसके बाद ये है 220। ये कौन से मॉडल में होगी? 2015 लास्ट का गाड़ी है। अच्छा लास्ट की गाड़ी है। इसका प्राइस क्या रखें? 40,000। मैक्सिमम ये एक जैसे स्पोर्ट्स में है, कितना चला होगा ये? सभी लगभग 40-30 स्पोर्ट्स। अच्छा, गाड़ियां कम चलती है ना। हाँ हाँ सही बोल रहे। छुट्टी के दिन ही आदमी चलाता है। अच्छा ये कौन सी एविटर है कि स्ट्रेनर है? इग्निटर है। ये कौन सी मॉडल है? 2016 मॉडल। 2016 मॉडल। इसका प्राइस क्या है? 30,000। इसके बाद ये फेजर, ये कौन सी मॉडल है? 2015 लास्ट का गाड़ी। अच्छा लास्ट 15 का है। 16। अच्छा पाइसिंग तो रायपुर है। इसका प्राइस क्या रखे? 40,000 है। व्हाइट और सिल्वर में? व्हाइट सिल्वर स्पेशल एडिशन है। अच्छा 55,000 का। ये कौन सा 5G बोले क्या? 5G है। इसका 55 मॉडल कौन सा है? 2018 लास्ट का। 19 की गाड़ी है। उसके बाद ये ब्लैक फाइव जी है। ये 55,000 मॉडल कौन सा है? 2019। ये भी 19। ये सभी में इंश्योरेंस होगा? अच्छा 5 साल वैलिड है। उसके बाद ये 2015 लास्ट का गाड़ी है। अच्छा 15 लास्ट की गाड़ी। तो जुपिटर है। एक्टिवा 3G। ये कौन सी मॉडल? 15 मॉडल। प्राइस क्या आएगा? 32। पासिंग दुर्ग है। उसके बाद ये है 17। 2019 दसवा महीना का गाड़ी है। 55,000। अच्छा 55,000। ये भी लगभग 20 से लगा हुआ ही है समझो, है ना? और ये एक्टिवा? अच्छा ये 5G है। कौन सी मॉडल है? 2019। इसका प्राइस क्या रखें? 55,000। इसके बाद डीलक्स का देखते हैं। मैक्सिमम यहाँ 10-15 डीलक्स तो दिखेगा, उसमें का प्राइस क्या है वो पूरा बताते हैं भैया। ये मैक्सिमम कौन कौन सी मॉडल होगी सभी? 16, 17, 18, 19, 20 का मॉडल है। इसमें BS4 वगैरह भी आते हैं क्या डीलक्स? BS4 खड़ी है। अच्छा ये BS4 है। इसका आई स्मार्ट का क्या है मॉडल? 2017 मॉडल, 2017 का है। अच्छा 17 का है। 35,000 है। बाकी पासिंग वगैरह इसका है, रायपुर का पासिंग है। ये डीलक्स है आपका, डीलक्स स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा? स्टार्टिंग ये आपको विदाउट सेल्फ में मिल जाएगा 27-28,000। अच्छा 27-28,000। मॉडल मैक्सिमम कितना होगा? आएगा आपको 14 से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये मतलब इसी में है, 14-15 से स्टार्ट मॉडल में। प्राइस 27-28,000 से मिलेगा आपको। अच्छा कम सेल्फ मिलेगा, विदाउट सेल्फ जो अभी रिपेयरिंग में है वो, है ना? अभी सेल्फ में आप जाएंगे 16-17-18। अच्छा अच्छा इसके बाद वो हीरो का स्प्लेंडर दिखाते हैं। 2016-17 का मॉडल है। अच्छा BS4 मिलेगा इसमें सभी। 17, 18, 19 की गाड़ी है। ये 19 की गाड़ी है। अच्छा ये स्प्लेंडर देखते हैं, ये कौन सी मॉडल है? स्प्लेंडर 2016 लास्ट की गाड़ी है। 2016 लास्ट 17 से लगा हुआ है। इसका प्राइस क्या रखें? इसका प्राइस रखें 42। वेल कंडीशन में ये भी? कंडीशन अपडेट है। अच्छा और उसके बाद ग्लैमर है? ग्लैमर है। वो कौन सी मॉडल है? मॉडल है BS4। अच्छा BS4 है 18 मॉडल। इसका प्राइस क्या होगा? 45 रेट है। अच्छा इसके बाद ये TVS का देखते हैं। TVS XL 100 XL 100 है। अच्छा BS6 है। ये 18 मॉडल बोले ना? दोनों 20 का मॉडल। दोनों का प्राइस क्या रखे होंगे? 51,000।
अच्छा जो भी कलर लेना चाहे। अच्छा इसके बाद है ये पैशन, पैशन प्रो, ये कौन सी मॉडल है? BS4 है ये भी। कितना पड़ जाएगा ये? कितना बोले? 55,000। ये पैशन प्रो कौन सी है? ये दोनों 2018 लास्ट। और ये कौन सा मॉडल है? 2016। इसका प्राइस क्या है? 40,000। और इसका 50 बोले ना। और ये सुपर स्प्लेंडर है 2016 मॉडल, इसका प्राइस क्या रखा? 42,000। अच्छा मतलब ज्यादा ये सभी मैक्सिमम लगभग लगा हुआ है। और अभी आपके पास और कौन कौन सी गाड़ी? अभी पैशन ये मॉडल। अच्छा ये कौन सी मॉडल है? 110 मॉडल, 2018। प्राइस क्या रखे? 40,000। और अभी स्कूटी वगैरह और है आपके पास? 2014। स्कूटी आपको दिखा देते हैं, 6-7 गाड़ियां वो भी 2019। ये तो पूरा अच्छी कंडीशन में लग रही है, वेल कंडीशन में। इसका प्राइस क्या रखे? 1,40,000। रनिंग हुआ है इसका 39,000। बाकी कंडीशन अच्छा है। ये भी 07 दुर्ग के पास है, डबल डिस्क है, सेल्फ अलाइविल है। अच्छा सेल्फ अलाइविल है, डबल डिस्क के साथ है, BS4 गाड़ी है। बाकी स्कूटीज देखते हैं। और स्कूटी में आपको इधर मिल जाएगा 2014। ये कौन सी मॉडल है भैया? 2014 मॉडल। 3G कौन सी है ये? 3G से पहले वाला है। अच्छा 3G से पहले वाला है, HT है। अच्छा इसका प्राइस क्या है? 30,000। ये व्हाइट कलर में 2014 26 पड़ेगा। इसके बाद ये 2013 मॉडल, 3G है। ये 3G है। और ये कौन सी थी? ये भी वही HT मॉडल है, 2015 मॉडल। ये 3G है, 35,000। इसके बाद ये ब्लैक कलर 3G है, 32। उसके बाद ये है लिमिट एडिशन, 2014 का मॉडल है। इसका प्राइस क्या पड़ेगा? 30,000। बाकी ये मैक्सिमम वैसी है। अच्छा और कुछ बोलना चाहेंगे आप? और क्या बोलेंगे सर, सब तो बेस्ट चॉइस है लोगों के। अच्छा, पास सब रेंज है। जैसे कि देखो बाहर बाहर से भी कॉलिंग आएगा आपके पास, बार बार से कॉलिंग आएगा, तो भैया का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और हो सके तो स्क्रीन में भी दे दूंगा। क्योंकि स्क्रीन में देने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम ज्यादा होता है, टाइमिंग में कॉल नहीं करते। तो टाइमिंग का ये है कि आप सुबह 9 बजे से कर सकते हैं, शाम कितने बजे तक खुला रहता है? 9 बजे तक, शाम के 9 बजे तक कॉल कर लीजिए। पूरा आपका भैया पूरा डिटेल्स दे देंगे, प्राइस वगैरह, या फिर यहाँ आस पास के होंगे तो लोकल आके पता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो चलो, अभी तक जो वीडियो देख रहे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए। Thank you.